साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल और सबसे पहले तो जय सियाराम। सब कुछ राममय है तो आप एक तो कहने की चर्चा भी होती है ना दोस्तों, लेकिन जानते हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लग रहा था ना सारे जो इंडिया अलायंस के लोग कि सब कुछ तो बस राममय रहेगा, भारतीय जनता पार्टी बस इसी में लगी रहेगी। लेकिन देखिए खबरों का ऐसा मतलब इतनी सारी खबरें एक साथ और सब कुछ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, लेकिन इस समय जब मैं आपके साथ लाइव हूं दोस्तों तो इस समय सबसे बड़ी खबर कहां से है? बिहार से है। बिहार में इतने सारे डेवलपमेंट नीतीश कुमार से जुड़े हुए और कई सारे सबूत। मैं आज इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे सबूत दिखाने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और जो मैं अभी देख रहा था दोस्तों उसमें जेपी नड्डा केरल जा रहे थे, रद्द हो गया। बिहार के दो उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए दोनों को रेणु देवी और तारकिशोर दिल्ली बुलाए गए। इसके अलावा बिहार के बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। उधर नीतीश कुमार ने भी बहुत सारे फैसले किए, पता चला लालू यादव स्पीकर से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी जानकारियां। लेकिन जो जानकारियां आप तक नहीं पहुंच रही सही तरीके से, तो मैं बिहार से जुड़ा हुआ कम से कम 10 सबूत आपको दिखाऊंगा जो बहुत बड़े बदलाव की कहानी बता रहे हैं और ये आज और कल से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की खबर, क्योंकि राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर तो बिहार से भी आई, बंगाल से भी आई, असम से भी आई। और मैंने जो कहा आपको कि राहुल गांधी के लिए अब गिरफ्तारी की तारीख भी तय हो गई है, कैसे वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले एक एक खबरों को पकड़िए दोस्तों, खबरों का जंजाल है, लेकिन उन खबरों को तरीके से समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। और खास करके इंडिया अलायंस में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो आखिर जा कहां रही हैं और कैसे वो 2024 के चुनाव को प्रभावित करने वाली हैं। तो आप देखिए हेमंत बिश्व शर्मा का दोस्तों एक ट्वीट, मैंने आपको आज सुबह एक कहानी दिखाई, अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, बड़ी मजेदार कहानी है। राहुल गांधी बस छोड़कर कार से भाग निकले, खंडन भी नहीं आया और मुख्यमंत्री खुद हेमंत शर्मा ने कहा। लेकिन वो जो हेमंत विश्व शर्मा और राहुल गांधी की जो भिड़ंत है अभी थमी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को एक सबक मिला है कि हेमंत विश्व शर्मा को छेड़ने का क्या मतलब होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप देखिए इस ट्वीट को, ये हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा है, लेकिन इसमें कितनी गंभीर चीज है पहले वो समझिए। ही सेज द मेन एम वॉज टू डी स्टेबलाइज असम, नाउ ही वॉन्ट्स टू डू न्याय यात्रा इन धुबरी, डू इट आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मगर सबसे गंभीर बात दोस्तों, वी विल अरेस्ट हिम आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। ये मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं कि मैं उन्हें गिरफ्तार करूंगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद। इफ वी अरेस्ट हिम बिफोर दैट इट विल बी पॉलिटिसाइज्ड। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं पहले कर लूंगा तो इसका राजनीतिकरण हो जाएगा, तो इसलिए उनको बाद में अरेस्ट करूंगा। नाउ द केस हैज बीन रजिस्टर्ड, एसआईटी विल इन्वेस्टिगेट एंड वी हैव एविडेंस। ये भी कह रहे हैं वो साफ साफ कि हमने केस तो दर्ज कर लिया और मैं कल आपको दिखा चुका हूं, आज सुबह भी दिखाया मैंने आपको। अब इस मामले में एसआईटी जांच करेगी और जांच के बाद फैसला किया जाएगा और फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। साफ साफ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस चीज में मत रहिएगा दोस्तों। अब आपको आगे मैं दिखाता हूं, देखिए इस पर प्रियांक खड़गे, और जब मैं प्रियांक खड़गे का नाम ले रहा हूं ना तो इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। प्रियांक खड़गे बहुत ही कद्दावर, बल्कि कह लीजिए कर्नाटक सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री, ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं
और कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत ही ताकतवर, इन पर तो कई वीडियो दिखा चुका हूं, वो सवाल पूछते हैं, व्हाई वेट फॉर द लोकसभा इलेक्शन? हेमंत बिश्व शर्मा जी, राहुल गांधी हैज ब्रोकन द लॉ, व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू द नीडफुल? यू वोंट डू दैट बिकॉज यू आर फुल्ली अवेयर दैट ही स्पीक्स द ट्रूथ। ये सवाल पूछ रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा जी, आप गिरफ्तार कर लीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं? जब आपके पास सबूत है आप झूठ बोल रहे हैं, आप अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर वो सवाल दागते हैं। तो इसका जवाब जो देते हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी, वो वाकई राहुल गांधी के लिए घनघोर बेइज्जती है। कहते ना कि कर्म का फल मिलता है, वो फल मिल रहा है। कुत्ते को जो बिस्किट खिला रहे थे ना, वो बिस्किट ऑफर किया था हेमंत बिश्व शर्मा जी को राहुल गांधी ने। देखिए क्या लिखा है हेमंत बिश्व शर्मा ने उनको रीट्वीट करते हुए, प्रियांक खड़गे को लिखा है कि वी नीड राहुल गांधी ड्यूरिंग इलेक्शन ब्रदर। वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो ये सुपरस्टार है, चुनाव में चाहिए इनको, इनके लिए तो करना पड़ेगा। तो ये हाल है, आप सोच लीजिए, ये स्थिति है। तो ये कहानी आपको समझना बड़ा जरूरी है दोस्तों। लेकिन जब राहुल गांधी की बात आपको कह रहा हूं, तो एक और चीज आपको दिखाना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी क्या असम में या जहां भी जा रहे हैं वो बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक बड़ा ही गंभीर सवाल खड़ा हो गया है दोस्तों, और ये बात कोई और नहीं, खुद हेमंत बिश्व शर्मा बता रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का बॉडी डबल इस्तेमाल किया जा रहा है असम में। आपको मैं बयान सुनाता हूं, आप पहले ये बयान सुनिए। एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में। मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है, बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए सैनल हैज पोज इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा? आप देखो ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते हैं, जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के। और एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने। आ रहे हैं दोस्तों, आपसे संवाद करूंगा, आप जरूर लिखिए, अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए, और कुछ ना लिख सके तो जय श्री राम लिखिए, इससे बड़ा हमारे संवाद को और एक प्रगाढ़ता मिलती है। लेकिन खैर खबर में आइए, हेमंत बिश्व शर्मा जी जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, वो किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि इंडिया टुडे एनई, आप देखिए बस लगाया इसने, और उससे ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या राहुल गांधी, वाकई राहुल गांधी ही है ये? अभी तक तो फिल्मों में डबल रोल सुनते थे। अच्छा, नेताओं के भी डुप्लीकेट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी आपने यूपी में योगी जी का डुप्लीकेट, पीएम मोदी का भी डुप्लीकेट देखा आपने, सब चलता है, लेकिन वो खुलेआम होता है कि वो डुप्लीकेट ही है। मगर बॉडी डबल और रैली में ये कह रहे हैं कि आप अंदर कुछ और, कोई और है, बाहर कोई और है, बड़ा विचित्र है दोस्तों। और हेमंत बिश्व शर्मा ने जब ये सारी बातें कही ना, तो कुछ और गंभीर सवाल उठाए। मैं बिहार की चर्चा करूंगा, लेकिन पहले राहुल गांधी का ये जो पूरा कारवां चल रहा है ना, असम से बंगाल और बंगाल से बिहार, तभी आपको बिहार की कहानी समझ में आएगी। हेमंत बिश्व शर्मा ने कुछ और गंभीर सवाल उठाए राहुल गांधी पर कि जहां इनको करना चाहिए था दर्शन वहां नहीं किया, एक खास मकसद से निकले थे। सुन लीजिए बयान। आती में आया लेकिन मां कामाख्या का मंदिर दर्शन नहीं किया, फिर आपने आगे बढ़ा, डॉक्टर भूपेन हजारिका का समाधि से आप गुजरे, आपने भूपेन हजारिका का समाधि में भी 2 मिनट नहीं रुके, फिर आगे जाके आपने जो असम का कम्युनियल हार्मोनी का जो एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, हयग्रीव माधव एंड पुआमक्का टेम्पल, हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय का लोग जिसको बहुत मानते हैं, वो टेम्पल का सामने आप गुजरे, लोग वहां में खड़े थे आपको वेलकम करने के लिए,
आपने वहां में भी नहीं किया, फिर आपने बरपेटा से गुजरे, पाटबाउखी सत्र में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव में जीवन का सबसे अमूल्य समय वही था। अगर बटद्रवा में आपका दर्शन नहीं मिला, आप पाटबाउसी सत्र में क्यों नहीं गया? फिर बरपेटा सत्र जो असम का सबसे बड़ा सत्र है, बरदुआ बटद्रवा बटद्रवा बरपेटा, आपने बरपेटा में भी नहीं गया। फिर आज सुबह आप धुबरी होके गुजरा, लेकिन आप धुबरी गुरुद्वारा में भी नहीं गया जहां में गुरु तेग बहादुर जी आए थे। तो आपका मतलब क्या? पढ़ रहा हूं दोस्तों, हेमा जी लिखती हैं, हेमा सिंह सर, ये दूसरा सद्दाम हुसैन तो नहीं है। देखिए, अब तो ये समझना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात आपको कई बार दिखा चुका हूं कि राहुल गांधी का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कुछ और इशारा करते हैं वो अपनी रैलियों में, और जिनको करते हैं वो समझ में आ जाता है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बड़ा गंभीर इल्जाम लगाया दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो कहते हैं कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी रचने आए थे कि कोई कम्युनल क्लैश हो जाए, सांप्रदायिक हिंसा हो जाए, दंगा हो जाए। आप बयान सुनिए, बड़ा गंभीर आरोप है राहुल गांधी पर, इसका जवाब देना चाहिए उनको, खंडन करना चाहिए, या जो भी वो कहना चाहते हैं इस पर जवाब देना चाहिए। बयान सुनिए। यात्रा क्या यात्रा था, और यात्रा का समय देखिए, असम में एक बहुत बड़ा कम्युनल क्लैश खड़ा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। गुवाहाटी में तो उनका एक झलक हमें देखने के लिए मिला, लेकिन उनका बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समय में असम से गुजरे और असम में बहुत बड़ा क्लैश हो जाए। लेकिन हमारा पार्टी का लोग या जो भी राम भक्त लोग, सब ने काफी अपने आप को रेस्ट्रेन किया और असम में गड़बड़ी होने नहीं दिया। देख रहे ना दोस्तों, मैं कुछ और कमेंट आपको बताऊं, राहुल गांधी नहीं उनकी आत्मा भी भारतीय नहीं, ये विभूति लिख रहे हैं, और कुछ लोगों ने और भी कमेंट किया। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक वीडियो देख रहा था और उसमें एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है जिसमें रिपोर्टर जाकर पूछना चाहता है लोगों से मंदिर में जहां राहुल गांधी आए हुए हैं कि आप राहुल गांधी को देखने आए हैं। बोलता, कौन राहुल गांधी, हम नहीं देखने आए, हम पसंद नहीं करते, हम तो भगवान राम के लिए आए। देखिए ना वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम लोग आए थे राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आप आए थे? राहुल गांधी को यहाँ पे मंदिर जाने से रोका जा रहा है? अभी तो ये हमें नहीं पता क्यों रोका जा रहा है। आपको राहुल गांधी पसंद है? नहीं, मुझे तो राहुल गांधी पसंद नहीं। कौन पसंद है आपको? बीजेपी पसंद है, मोदी ही पसंद है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कितना अंतर आप पाते हैं? बहुत अंतर है, नरेंद्र मोदी बहुत काम किया है, राम मंदिर बनवा रहा है, बहुत काम। वैसे एक मजेदार चीज बताऊं दोस्तों, राहुल गांधी पे वैसे कई गंभीर इल्जाम है लगा दिए गए और मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, लेकिन आप ये हैरान हो जाएंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, बड़ा फायदा होता है। अब देखिए क्या क्या हुआ, आप सोचिए। एक तो इनके जो बड़े कद्दावर नेता मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र में, जैसे ही यात्रा शुरू हुई छोड़ दिए, पार्टी छोड़ दिया। फिर मणिपुर से निकले, मणिपुर में क्या हुआ आपको पता है ना, फिर से भिड़ंत शुरू हो गई। और मैंने आपको वो कहानी दिखाई है, बड़ा गंभीर सवाल उठा कि राहुल गांधी गए क्यों थे मणिपुर, उनके लौटते ही इतनी हिंसा, देखिए फिर शांति हो गई, तो वो एक गंभीर सवाल। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने दिखा दिया, फिर पता चला आज ही की बात बताऊं, जगदीश शेट्टार कर्नाटक के कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में फिर वापस आ गए। और इसके बाद बिहार, बिहार में जो कुछ हुआ वो उसके लिए अलग से अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन बीच में बंगाल, बंगाल में तो ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखा दिया एक दिन पहले ही, अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब आप देखिए
कि ये जनाब जब पहुंचते हैं तो वहां कैसे टीएमसी के कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। लिखे, दीदी इज एनफ टू वेस्ट बंगाल, राहुल गांधी जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। वीडियो देखिए। इंडिया जो मजबूत करते हैं। वहाँ पर लोग बाहर भगा रहे हैं और अभी आप पता चलेगा, आज तो शुरू हुई है यात्रा बंगाल में, देखिएगा क्या क्या होता है। लेकिन एक बात आपको बतानी पड़ेगी दोस्तों कि एक तरफ जहां बंगाल में ममता दीदी ने औकात दिखाई, ममता बनर्जी ने औकात दिखाई, वहीं बिहार पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार ने ठेंगा दिखा दिया। और मैं आपको अब बिहार की कहानी दिखा रहा हूं। बिहार में कम से कम 10-12 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे पता चलता है कि सब कुछ सही नहीं है। अब जैसे आप ये रिपोर्ट देखिए, नीतीश कुमार ने रद्द किया झारखंड दौरा, 4 फरवरी को इस जिले में होनी थी रैली। और नीतीश कुमार 4 फरवरी को रामगढ़ में रैली थी, रामगढ़ झारखंड बहुत पहले से था, लेकिन रद्द कर दिया। अब आपके मन में होगा, ठीक है भैया रद्द कर दिया, बहुत सारी चीजें रद्द होती हैं, लेकिन आपके लिए बताना जरूरी है कि 4 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी की बेतिया में रैली, प्रधानमंत्री मोदी की बेतिया में रैली है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। करते क्या नीतीश कुमार अगर ये विरोधी खेमे में होते? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की करीबी समझ में आती है कि जाना वही है तो हम कैसे कर लें। ये तो बाद में तय हुआ पीएम का, नीतीश का तो पहले से तय था। ये रहा एक बहुत बड़ा सबूत दोस्तों। दूसरा अब आपको मैं दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए बिहार की ये कहानी, आपको समझ में आएगी कि क्या क्या हो रहा है। अब देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए नीतीश कुमार ने अपनी पूर्व रैली को खत्म कर दी, रद्द कर दी, वहीं दूसरी तरफ 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ना, वो पूर्णिया में रैली है उसकी 30 जनवरी को, उसमें नहीं जाएंगे, कंफर्म हो गया। देख लीजिए, भारत राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, जाने कांग्रेस का रिएक्शन, वो नहीं जाएंगे। और ये क्यों नहीं जाएंगे कि पीएम के लिए जाएंगे, नीतीश कुमार में नहीं राहुल गांधी में नहीं जाएंगे? इसका मतलब है कि बिहार में बहुत कुछ हो चुका है, सिर्फ अब फैसले की बात है। लेकिन फैसला भी ये हो गया ना, आप देखिए ना इतना बड़ा फैसला, और आपको दिखाता हूं। देखिए, जिस फ्लाइट से दिल्ली गए सम्राट चौधरी अश्विनी चौबे, उसी में सवार हुए केसी त्यागी। सम्राट चौधरी मतलब बिहार भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी चौबे, और ये सब बिल्कुल ताजा तरीन खबर आपको बता रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो बिहार में 2 डिप्टी सीएम थे उन दोनों को भी बुलाया है, तार किशोर और रेणु देवी, दोनों को दिल्ली बुला लिया गया, अमित शाह से मुलाकात होनी है। और अमित शाह से मुलाकात का मतलब समझ रहे हैं। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल जाने वाले थे, वो भी यात्रा रद्द कर दी गई। तो ये जो खबरें दिख रही हैं, ये तीसरा सबूत है। तीसरा क्या, मैं 3-4 खबरें आपको बता दिया। अब आप देखिए एक और खबर, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिशें तेज, ये एबीपी का एकदम ताजा तरीन खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। और लालू यादव ने नीतीश से बात की, नीतीश से बात करने के लिए शिवानंद तिवारी को भी भेज दिया, यानी उन लोगों को लगने लगा। अब बड़ा विचित्र है बिहार की राजनीति, मैं मुझसे अगर आप पूछेंगे तो भाजपा के लिए इस समय एकदम सख्ती दिखाने का समय है, मैं आपको बोलूं। लेकिन चूंकि बिहार की जनता ने बहुत सारी चीजें तय की हैं, तो उन चीजों को तो गुजरना पड़ेगा ना, उन रास्तों से जो रास्ते आप बनाएंगे वहीं से तो गुजरना पड़ेगा। अब बिहार की जनता ने यही रास्ता तय किया, भाजपा तो अकेले भी चुनाव लड़ चुकी है, बहुत बुरी हालत हुई थी, तो अब यही रास्ता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। आगे दिखाता हूं आपको कुछ और सबूत। देखिए,
आज सुबह कैबिनेट की मीटिंग थी बिहार में, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, 3 फैसले लेने थे जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण, आम बजट, अनुपूरक बजट, सब कुछ होना था। सिर्फ 15 मिनट में हो गया, लेकिन खबर ये नहीं है कि 15 मिनट में हो गया। मीटिंग में बड़ी कड़वाहट थी, तेजस्वी यादव चुपचाप बैठे थे, नीतीश कुमार अपना ये वो होके खत्म हो गया और कोई सौहार्द का भाव नहीं। तुरंत सब निकल पड़े, माने नाश्ता जो रखा हुआ था वो भी नहीं कर पाए। नीतीश कुमार लिफ्ट से उतरे और तेजस्वी यादव सीढ़ियों से नीचे वेट किया, लेकिन कहीं कोई अनौपचारिक बातचीत नहीं। बिल्कुल औपचारिक तरीके से, बहुत ही मतलब जिसको बोलते ना एक माहौल होता है बहुत ही टेंस वाला माहौल, वो टेंस था। देखिए ना, नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में दिखी कड़वाहट 15 मिनट में हुई खत्म, सामने आई बड़ी वजह। एक और सबूत दिखाता हूं कड़वाहट की। हालांकि लालू यादव की तरफ से बहुत कोशिशें हुई लेकिन फायदा नहीं है, आपको दिखाता हूं। देखिए रोहिणी आचार्य, अब रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी है और बहुत खास भी है, आप समझिए। मैं कहीं पढ़ रहा था इन्होंने ही किडनी दी है अपने पिता को, बहुत खास। इन्होंने 3 ट्वीट किया और 3 ट्वीट क्यों किया वो भी आपको समझाता हूं। आप दोस्तों आप लाइव करके इससे जुड़े हुई चीजों को बताइए ताकि अगर कुछ छूट रहा हो तो मैं वो भी साझा करूं कार्यक्रम के अंत में। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। वाह क्या शेर लेकिन समाजवादी पुरोधा होने का दावा कौन कर रहा है, जानते हैं ना, नीतीश कुमार जी के ऊपर सीधा, और हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा, कौन बदल रहा है, कौन यू टर्न लेता है, किसको पलटू राम कहा इन लोगों ने। एक और, खीज जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। एक और, अच्छा ये ट्वीट है नहीं, अब तीसरा दिखाऊं। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। अब ये भावनाएं हैं, अब क्यों भावनाएं वो बताता हूं, लेकिन ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया, नीतीश कुमार ने इसको संज्ञान लिया, तब तक उधर से काफी हो हंगामा हुआ फिर डिलीट कर दिया गया, लेकिन मैंने आपके लिए रख लिया था दोस्तों। अब कुछ और सबूत दिखाता हूं कैसे नीतीश कुमार बहुत बड़े सबूत दे रहे हैं, खुद भले ना कह रहे हो। अब क्यों रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा, अब आपको मैं दिखाता हूं। देखिए नीतीश कुमार कल बयान देते हैं, जब भारत रत्न देने का ऐलान हुआ प्रधानमंत्री मोदी ने किया कर्पूरी ठाकुर को, तो इन्होंने तुरंत कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सुन लीजिए बयान। की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ। देख रहे ना दोस्तों, सीधा कांग्रेस पर टारगेट है, पीएम मोदी को तो बोल ही रहे हैं थैंक यू, लेकिन कांग्रेस ने तो नहीं दिया, हम तो बोलते रहे। आगे बढ़िए, आगे देखिए, ये सीधे लालू यादव के परिवार को टारगेट करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग तो परिवार को नहीं बढ़ाए, कर्पूरी जी भी नहीं बढ़ाए, ये लोग तो बढ़ा रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। सुन लीजिए। बढ़ाए थे आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता, लेकिन आप समझ लीजिए कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए, और एक ही बात जान लीजिए कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। अब एक और बयान आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए, इन्हीं में सबूत छुपे हैं दोस्तों, कल जब फैसला होगा तो पता चलेगा कि क्या क्या दिखाए गए। सुन लीजिए,
जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे, आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है नेता बनता, जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए। दो और सबूत दिखाता हूं कि कैसे नीतीश कुमार पीएम मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं और लालायित हैं। दो ट्वीट है मेरे पास, आप देखिए। पहले जब कर्पूरी ठाकुर को दिया गया तो पहले इन्होंने जब ट्वीट किया तो उसमें केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय ये बताया, लेकिन इस ट्वीट को डिलीट किया गया। और लास्ट में जब दूसरा ट्वीट किया गया तो देखिए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, तो ये ट्वीट किया। यानी नीतीश कुमार लालायित हैं, छोड़ना चाहते हैं आरजेडी को, भाजपा से मिलना चाहते हैं, और ये एक तरफा नहीं है। अब मैं दूसरी तरफ का भी हिस्सा आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, नीतीश की एनडीए में वापसी पर सुशील मोदी का इशारा, बोले बीजेपी नेतृत्व का फैसला स्वीकार करना होगा। और आपको पता है ना दोस्तों कि कितना भारतीय जनता पार्टी ने कितना कुछ नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अब इन लोगों को भी एहसास हो गया है, कोई एक दूसरे के खिलाफ बोल नहीं रहा कुछ भी। अब कई लोग सवाल उठाएंगे कि कहां गई नैतिकता, कैसे हो गया ऐसा, हो गया वैसा हो गया, लेकिन देखिए यही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है, अमित शाह की खासियत है। बल्कि अगर सही मायने में कहें, प्रधानमंत्री मोदी को तो काम से ही फुर्सत नहीं होगा, लेकिन अमित शाह स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, तो उनको पता है कि चुनाव जीतना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सत्ता में होंगे तभी आप कुछ करेंगे, अगर सत्ता में ही नहीं होंगे तो फिर क्या है, सब चीज बेकार है। जितना ये रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस, ये वो सब बेकार है, फिर ये आने वाले तो लूट लेंगे। तो इसलिए ये जरूरी था दोस्तों, और ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है। लेकिन मेरा मानना है कि जब नीतीश कुमार से इस बार मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी एकदम बदल कर रख देती है ना, आमूलचूल परिवर्तन, वैसे ही होना चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े, ये होना चाहिए। अगर नहीं छोड़ते हैं तो कुछ और बड़ी व्यवस्थाएं बननी चाहिए, ताकि बिहार की जनता को ये एहसास हो कि बहुत कुछ बदल रहा है, नई चीजें देखने को मिल रही हैं, और तभी इसका फायदा इन लोगों को मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, जो इस समय की अपडेट है, सारी घटनाओं को एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और अब मैं आपके साथ लाइव हूं, तो कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं। आपने परमानंद यादव जी, हमेशा की तरह, देखिए कल भी आपने सबसे पहले लिखा था जय श्री राम। सनोज जी, करुणा जी, हिमा जी, शिषपाल जी, शिवानंद जी, बहुत सारे लोगों ने जय श्री राम लिखा है। दोस्तों आप जय श्री राम ही सही लिखिए, ताकि हमारी आपकी भावनाएं मिलती रहें। आगे देखते हैं, समीर कुमार सेन गुप्ता, हमारा नेता राहुल, हमारा नेता राहुल बोलने वाला, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, आपका नेता राहुल, चलिए आपको मुबारक अगर ऐसा है तो। तुले राम जी, अश्विनी जी, कृष्णा जी, शिव कुमार जी, धनराज जी, सुरेंद्र जी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। अशोक दुआ जी लिखते हैं, राहुल गांधी ने तो खुद ही कहा था कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया है, जिसे आप देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है। अरे वाह अशोक जी, आपने वाकई बहुत अच्छा कमेंट किया है, ये वीडियो मुझे निकालना चाहिए था, कभी मैं इस्तेमाल करूंगा फिर से। और दीपू जी, सुधाकर जी, जितेंद्र जी, अलका जी, सबको जय श्री राम। और धनराज गांधी, जय श्री राम। प्रदीप कुमार शुक्ला, राहुल खान, राहुल की नई खोज, आलू से सोना बनाने के बाद अब स्टोव में कोयला डालो और चाय बनाओ, कल मैं दिखा चुका हूं प्रदीप जी। हरेंद्र जी लिखते हैं, बंडवाल जी ये राहुल गांधी तो पागल है ये लिख रहे हैं, बस चलिए एक बार इसे जरूर बताना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। कई सारे लोगों के हैं, आखिर में आता हूँ। अनिल जी, श्रीपति जी, वसवडा जी, वसवदा, लाल बिहारी जी, सबको प्रणाम, नमस्ते, जय सियाराम।
आप अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो घंटी है उसको भी ज़रूर दबाइएगा ताकि अपना संबंध भी, संपर्क भी निरंतर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।